so now we will see what UNICEF has recommended for the way forward. Uh, they have a slogan: If you want to go far, go together. A टूगेटिव agenda for action. Collaborative agenda बहुत जरूरी है अगर हमें कुछ भी काम करना है तो isolation में या अकेले में नहीं होगा कोई एक इदारा नहीं कर सकता ना अकेले वालदे कुछ कर सकते हैं ना अकेले कुछ कर सकते हैं ना कानून के इदारे अकेले कुछ कर सकते हैं जब तक सारी कलेबोरेशन नहीं होगी अगर हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो हमें इकट्ठा चलना है सो यंग चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन शुड बी अ प्रायोरिटी अक्रॉस ऑल एकर तो जितने भी सेक्टर्स मुत्लक हैं बच्चों को महफूज करने के लिए उनको वायोलेशन से बचाने के लिए उनकी तालीम तरबियत के लिए नर्सरिंग के लिए उन सबको मिल के काम करना है और एक सा एक्शन प्लान बनाना है मतलब एक पॉलिसी हम फ्रेम करेंगे और फिर सारे इदारे उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज विद विदर्ड रिस्पांसिबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन तो सब अलग अलग अगर अपनी पॉलिसी पे एक भी पॉलिसी पे काम कर रहे होंगे और अलग अलग कर रहे होंगे तब भी उसके नतज नहीं निकल सकते तो उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि वो एक दूसरे को कन्वे करें कि कितना काम उनके जिम्मे था उन्होंने क्या चीज़ें की मिसाल के तौर पर अगर हमारे कुछ अनप्रोटेक्टेड बच्चे हैं तो कहाँ हमने क्या उनको ट्रेस किया कुछ इदारे ट्रेस करने के लिए हैं फिर उनको उन कहाँ रेफ़र किया क्या उनके हेल्थ इश्यूज थे या उनके एजुकेशनल इश्यूज थे फिर वहाँ उनको कैसे रेफ़र किया एंड सम टाइम्स उनके कुछ मेंटल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं तो क्या वैसे इदारों को जहाँ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मेंटल हेल्थ और वेलबींग well के लिए काम होता है क्या वहाँ उनको रेफ़र किया गया तो ये सारे इदारे मिल के काम करेंगे और एक ही पॉलिसी को और एक ही गोल को हासिल करने के लिए मिल के स्ट्रैटीज़ बनाएंगे देन यूनिसेफ कवर्स ऑल एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट तो वो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करते बल्कि उन्होंने ये सोचा था कि हम जितने भी बच्चों के ऐसे पहलू हैं जहाँ से उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है तो वो ख़ुराक की वजह से हो ख्वा मेल ट्रीटमेंट की वजह से हो खा कोई उनको सेक्शुअल वायलेंस की वजह से हो या किसी और तरह से उनको एब्यूज किया जाए तो ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं जिसमें कवानी भी हैं पॉलिसीज भी हैं जिसमें एक्शन भी हैं जिसमें कोलेबोरेशन भी है तो सारी चीज़ें मिल के इसको करना है देन इन एंड आउट ऑफ इमरजेंसी अगर आ, कुछ ऐसे केसेज हैं जिनको फौरी तवज्जो की ज़रूरत है या इमरजेंसीज हैं तो फिर स्पेशल फोकस इज ऑन यूनिसेफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथन द चाइल्ड प्रोटेक्शन आस्पेक्ट अब यूनिसेफ चूंकि एक आप जो समझें इंटरनेशनल पूरी दुनिया का इदारा है तो वो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ किन मुल्कों में ज्यादा ज़रूरत है बच्चों का ध्यान करने की या कहाँ वायोलेशन ज़्यादा हो रही हैं भूख प्यास कहाँ ज़्यादा है तालीमी इदारों की कमी कहाँ पर है या बच्चों के साथ गलत सलूक कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको इमरजेंसी बेसिस पे ट्रीट करते हैं या फॉरी एक्शन लेते हैं हाई लेमरजेंसी वो समझते हैं कि ऐसा कोई ट्रामा या ऐसी कोई मुसीबत अचानक आती है तो फिर उससे बड़े ज्यादा नुकसान हो सकते हैं बड़ा वो बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुंस करता है तो वो समझते हैं कि उसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटेक्टिव नेटवर्क एंड मैकानिजो इनक्रीज द रिस्क ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लाइटेशन जैसे हमने अर्ज किया कि अगर सारे इदारे मिल कोई एक्शन नहीं लेंगे इकट्ठी पॉलिसी नहीं बनाएंगे किसी एक गोल या ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए एक साथ नहीं चलेंगे उनका वो नेटवर्क ख़त्म होता है या कहीं से भी ब्रेक डाउन करता है तो इसका मतलब होगा कि अब वायोलेशन uh, जो है वो बढ़ जाएगी और वो ऐसे जो माशरे के किरदार होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनकी एक्टिविटी जोर पकड़ जाएंगी दे विल बी पावरफुल सो अब वो ये कहते हैं कि कैसे ये सारी पत, चीज़ें पता चलें वी हैव टू बिल्ड देंस तो यूनिसेफ जो है वो एक लार्जर बेसिस पे डेटा इकट्ठा करता है इट मस्ट पे अर्जेंट अटेंशन टू जनरेट सॉलिड एविडेंस ऑन इट्स कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस तो एक तो वो ये देखते हैं कि क्या वो जहाँ जहाँ हमने बच्चों को केटर करना था जहाँ जहाँ उनको जरूरत थी क्या वो जरूरत हमने पूरी कर ली उन बच्चों तक हमारे जो सर्विसेज थी वो पहुँच गई और फिर ये कि उसकी कॉस्ट और इफ़ेक्टिवनेस Uh, उनको भी जांचा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिसोर्स या पैसा या बजट जो है जो बच्चों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होना था वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा है सो so, उनकी कोशिश ये है कि उसकी इफेक्टिवनेस भी देखी जाए और उसकी कॉस्ट को भी जांचा जाए ताकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें